हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखा पोस्ट। दोस्तों आज मैं बात करूंगा विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय के बारे में। जी हां, आपने सही समझा है। वैसे चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि भारत का इतिहास जो रहा है वो बहुत ही पुराना और गौरवान्वित करने वाला रहा है। चाहे यहाँ के धर्म, संस्कृति या रहन सहन, वो हमें दूसरों से अलग और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनाती रही है। ऐसे ही हमारा देश विश्व का गुरु नहीं कहलाया था। यहाँ की गुरुकुल की परंपरा सदियों से है, जो विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। देश प्राचीनता और अद्भुत ज्ञान के लिए विश्व में अपनी साख रखता है। एक वक्त था जब विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और ज्ञान अर्जित करके जाते थे। इस देश ने जितना ज्ञान दुनिया को दिया है, उतना ज्ञान शायद ही किसी और देश से मिला हो। इतिहास में पढ़ा था नालंदा विश्वविद्यालय का समृद्धशाली इतिहास। आज अचानक जानने की इच्छा हुई कि कैसा था वो अद्भुत ज्ञान का केंद्र जहां आते थे विश्व के कोने कोने से लोग। इसी ज्ञान की नगरी के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जहां पहले विश्व के कोने कोने से लोग पढ़ाई करने आते थे। यह विश्वविद्यालय लगभग 3000 साल पुराना था और जहां कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से स्टूडेंट्स और टीचर्स पढ़ने पढ़ाने आया करते थे। इसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय था, जो उस समय देश का सबसे बड़ा विद्या का केंद्र था। छठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करता था। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र विदेशी थे। उस वक्त यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक मार्गदर्शन देते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री हेनसांग ने भी यहाँ से शिक्षा ली थी। यह वर्ल्ड की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी थे। आप इस बात को ज़रा सोचिए और गौर कीजिए कि दुनिया भर में हिंदुस्तान में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां दुनिया की पहली हॉस्टल भी थी, जहां बच्चे पढ़ने के साथ रह भी सकते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के बीच की थी। यूनिवर्सिटी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना थी। इसका पूरा कैंपस एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें आने जाने के लिए एक मुख्य दरवाज़ा था। नॉर्थ से साउथ की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थीं। विश्वविद्यालय की सेंट्रल बिल्डिंग में 7 बड़े और 300 छोटे कमरे थे, जिनमें लेक्चर हुआ करते थे। एक मठ से अधिक मंजिल के थे। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 बड़ी बिल्डिंग्स, 10 मंदिर, कई प्रेयर और स्टडी रूम के अलावा इस कैंपस में सुंदर बगीचे और झीलें भी थीं। नालंदा को हिंदुस्तानी राजाओं के साथ ही विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलती थी। विश्वविद्यालय का पूरा प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जिन्हें बौद्ध भिक्षु चुनते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं निःशुल्क थीं। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का भव्य चलता रहता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय प्राप्त होती थी। विद्यार्थियों का प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी कठिनाई से होता था, क्योंकि केवल उच्च कोटि के विद्यार्थी को ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। इसके लिए बाकायदा परीक्षा ली जाती थी। 4वीं से 11वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी, लेकिन मोहम्मद बिन इख्तियार खिलजी नामक एक लुटेरे ने, या फिर आप जानते हैं कि खिलजी को, जिसने 1199 ईस्वी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गईं, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहते हैं कि वहाँ इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद भी 3 महीने तक किताबें जलती रही थी। कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर पांडुलिपियों को बचाया और उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। भले ही पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन आज भी इस विश्वविद्यालय का नाम जीवित रखा गया है। पढ़ाई होती है, लेकिन 3000 साल पहले वाली बात नहीं रही। अब तो बस ऐतिहासिक स्थलों,
और शिलाओं के रूप में स्मृति शेष रह गई है। आज से लगभग 2500 साल पहले एशिया में 3 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। पाकिस्तान बनने पर तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया, लेकिन विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर खुदाई करने पर बिहार में मिले। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में है और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में है, और इसी के नाम पर नालंदा जिले का नाम पड़ा। आज के समय यह खंडहर काफ़ी प्रसिद्ध है। देश विदेश के कोने कोने से टूरिस्ट और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग आते हैं, और कुल मिलाकर आज के समय में यह बिहार राज्य का प्रमुख आकर्षण भी है। नालंदा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ईसा से 5वीं तथा 6वीं शताब्दी पूर्व में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के युग तक यहाँ का इतिहास फैला हुआ है। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा राजगीर के उत्तर पश्चिम में एक उपनगर था, और महावीर स्वामी ने नालंदा और इसके निकट राजगीर में 14 साल गुजारे थे। दिगंबर जैन के हिसाब से नालंदा से केवल 2 किलोमीटर दूर कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के साहित्य के अनुसार भगवान बुद्ध अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे। यह नगर बहुत खुशहाल हुआ करता था और यहाँ की आबादी बहुत घनी थी। यहाँ एक आम का बागीचा था जिसे पवारिक कहते थे। भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सरीपुत्र और मार्दगलापन का जन्म नालंदा में ही हुआ था। सरीपुत्र का देहांत नालंदा में उसी कमरे में हुआ था जिसमें वो पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु का कमरा बहुत पवित्र माना जाने लगा और बौद्धों के लिए तीर्थ स्थान बन गया। सम्राट अशोक ने नालंदा में इस स्थान पर मंदिर बनवाया, इसलिए सम्राट अशोक को नालंदा विहार का संस्थापक माना जाता है। नालंदा की खुदाई में समुद्रगुप्त के समय का एक ताम्रपत्र और कुमारगुप्त का एक सिक्का मिला, इसलिए नालंदा विहार कुमारगुप्त आदि गुप्त सम्राटों के बनवाए हुए माने जाते हैं। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत धन दिया था। उन्होंने लगभग 100 गांव की मालगुजारी इस विश्वविद्यालय के नाम छोड़ दी थी। उन गांवों से विश्वविद्यालय के आवश्यकता के अनुसार चावल, घी और दूध जैसे चीज़ें आती रहती थी, इसलिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पूरी खुराक इन गांवों से मुफ्त मिल जाती थी और उनको कहीं भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहीं कुछ मतों के अनुसार सम्राट अशोक ने 1200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दे दिए थे कि इनसे जो आमदनी हो उससे विश्वविद्यालय का खर्च चलाया जाए। विद्यालय में विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी और उनको खाना पीना भी मुफ्त दिया जाता था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल के राजा देवपाल के समय में नालंदा उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था। हिंदेशिया, जावा, सुमात्रा के सम्राटों ने राजदूतों द्वारा देवपाल के पास धन भेजा जिससे वहाँ विहार बनाए गए। तिब्बत के सम्राट सांगयांग गंपो ने आचार्य देवावित से बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। मोहम्मद खिलजी के आक्रमण के बाद मुदित मुद्रा नाम के एक व्यक्ति ने इसका पुनः निर्माण कराया था, और शीर्ष पश्चात मगध के राजा के मंत्री कुकुटा सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया। इसके बाद एक धर्म उपदेश के समय 2 क्रोधित ब्राह्मण तीर्थ करने यहाँ आए थे। कुछ नटखट भिक्षुओं ने उनके ऊपर हाथ पैर धोने का पानी फेंक दिया। उन ब्राह्मणों ने 12 वर्ष तक सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और तपस्या के बाद यज्ञ किया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि के सुलगते हुए अंगारे नालंदा विश्वविद्यालय तथा बौद्ध मंदिर आदि में फेंक दिए, जिसकी प्रचंड आग से विश्वविद्यालय में आग लग गई और विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। इसके बाद यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ और धीरे धीरे समय के साथ इस स्थान का अस्तित्व मिट गया, ऐसा मानना है। सन 1812 में बकानम हैमिल्टन को बड़ा गांव जहां नालंदा खंडहर है वहां से कुछ ब्राह्मण मूर्तियां और कुछ बौद्ध मूर्तियां मिली थी। कनिंघम ने इन्हें नालंदा से संबंधित ठहराया। कुछ साल बाद ब्रेडली ने चेतिया स्थान पर खुदाई करवाई। 20 साल तक पुरातत्व विभाग ने भी वहां खुदाई कराई, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का पता चला। नालंदा विश्वविद्यालय 7 मील लंबी और 3 मील चौड़ी भूमि में फैला हुआ था, लेकिन सिर्फ 1 वर्ग मील में ही इसकी खुदाई का काम हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के 2 भाग मिले। एक भाग में हॉस्टल कम कॉलेज था,
जो एक लाइन में है और दूसरे भाग में एक लाइन में भगवान बुद्ध के मंदिर मिले। 11 बौद्ध विहार एक लाइन में मिले हैं। अब इन्हें 11 ब्लॉक कहते हैं। जो कुछ एक ब्लॉक में है वैसा ही हर ब्लॉक में है। इनकी दो मंजिलें नीचे दबी हुई हैं और हम तीसरी मंजिल देखते हैं। तल पर पहली मंजिल गुप्त काल की है। 7वीं शताब्दी में पहली मंजिल को ढककर दूसरी मंजिल हर्षवर्धन ने बनवाई थी और दूसरी मंजिल को ढककर देवपाल ने तीसरी मंजिल बनवाई थी। नालंदा में 1951 में पाली इंस्टीट्यूट खोला गया था, जिसे नव नालंदा महावीर संस्था कहा जाता है। इसमें पाली भाषा और बौद्ध धर्म शास्त्र की उच्च शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ पर जापान, फ्रांस तथा तिब्बत आदि देशों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। सड़क के दूसरी ओर नालंदा म्यूजियम है। इसमें नालंदा तथा आसपास के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं रखी गई हैं। नालंदा खंडहरों से मिला हुआ सूर्य मंदिर है। इसमें हिंदू देवी देवताओं तथा बौद्ध मूर्तियां हैं। मंदिर में सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्तियां हैं। पार्वती की 5 फुट ऊंची मूर्ति बहुत आकर्षक है। मंदिर के पास सूर्य तालाब है, जहां साल में 2 बार सूर्य छठ का मेला लगता है। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास पर हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।